मैं शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग आप कर रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आई एम ऑडिबल। वेलकम टू दिस लाइव सेशन। आई एम थैंकफुल टू पीयूष एंड हिज टीम। स्टार्ट विद वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने ये एग्जाम 6 टाइम्स दिया है, 6 बार प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है एंड एवरी टाइम माय स्कोर वाज अबव आईएफएस कट ऑफ। मतलब मेरा प्रीलिम्स का कट ऑफ पर प्रीलिम्स के नंबर मिनिमम 20 से 30 नंबर ज्यादा थे कट ऑफ से। उसके बाद आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने 6 मेंस दिया है और 3 इंटरव्यू दिए एंड आई क्लियर्ड विद अ रैंक ऑफ 571। साइमल्टेनियसली माय रियल ब्रदर आल्सो ही गेव 5 अटेम्प्ट्स, ही गॉट 133 रैंक दिस ईयर 2019 एंड ही इज सिलेक्टेड एज एन आईपीएस ऑफिसर। So both of us prepared simultaneously and cleared it. Post my selection, मेरा selection Indian Defence State Service में हुआ था, लेकिन मैंने aspiration मेरे IAS IPS के थे, इसलिए मैंने resign करके अभी students को guide और mentor कर रहा हूँ through YouTube channel and through Telegram channel. And मैं इस course के मतलब पूरे journey के बारे में मेरा experience share करना चाहता हूँ and I would like to tell you कि exam difficult नहीं है। First thing and most important thing, exam difficult नहीं है। अटेम्प्ट्स ज्यादा क्यों लगते हैं, एग्जाम लोग क्वालिफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि राइट गाइडेंस नहीं है, स्टूडेंट्स के पास राइट गाइडेंस नहीं है, राइट मेंटरशिप नहीं है एंड दे डू नॉट नो एग्जैक्टली क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि मार्केट में इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे कंटेंट है, तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू जज कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। टू स्टार्ट विद प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मैं एक कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो भी प्रीलिम्स प्रिपरेशन रिलेटेड है। प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ योर कितना आप याद रख सकते हो इन अ लॉजिकल वे। इंपॉर्टेंट चीजें है कि आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 5-6 कोर सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सब के लिए कुछ बेसिक एनसीईआरटीज है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट नए एनसीईआरटीज पढ़े, पुराने एनसीईआरटीज मत पढ़े। पुराने वक्त का जो ये था, क्वेश्चंस पुराने एनसीईआरटी से आते थे, अब सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस में नए एनसीईआरटी से आ रहे हैं। थीम्स वाले आर पास्ट और थीम्स वाले एनसीईआरटीज पढ़िए। साइड बाय साइड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, स्पेक्ट्रम के अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ना है, बिपिन चंद्र नहीं पढ़ना है क्योंकि बिपिन चंद्र के ही नोट्स उन्होंने बना के स्पेक्ट्रम में दिए। तो मेक श्योर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज पढ़े एंड स्पेक्ट्रम पढ़े। ज्योग्राफी के लिए 6-12 एनसीईआरटी एंड गोचिलियोंग इज मोर देन इनफ, उतना ही पढ़ना है ज्योग्राफी के लिए 6-12 और गोचिलियोंग। देन आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आई वुड सजेस्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है एंड कुछ बेसिक डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो मृणाल के यूट्यूब के वीडियोस आप देख सकते हो। एनवायरमेंट के लिए मेजरली लोग शंकर आयस की बुक पढ़ रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। एनवायरमेंट सारे चीजें इट्स कमिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स और जो भी आप सोर्सेस पढ़ रहे हो करंट के लिए, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर आप 2-3 एक्स्ट्रा मैगजीन्स पढ़िए स्पेशली फॉर दिस 2 सब्जेक्ट्स, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि यही डिसाइडिंग फैक्टर है। हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी सबके सही होते हैं, नंबर्स कहाँ कम आते हैं बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मेक श्योर यू गो 1 स्टेप अहेड। तो ये हो गया इसके लिए। देन उसके बाद आता है हमारा मिडिवल इंडिया, एंशियंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो मैं इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट्स मानता हूँ एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर। जब आपके कोर सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताया मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी एनवायरमेंट, ये सब पढ़ने के बाद ये चीजों पर फोकस कीजिए क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चंस कम आते हैं लेकिन और रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट है और आप हर बार गलतियां करते हो। तो मेक श्योर आपका क्राइटेरिया आपको पता है कि प्राइमरी सब्जेक्ट्स कौन से, सेकेंडरी सब्जेक्ट्स कौन से। उसके बाद जाऊंगा कि पढ़ना सिर्फ 50% पार्ट है सिलेबस का, 50% इज टेस्ट सीरीज। आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है क्योंकि टेस्ट सीरीज से 2-3 फायदे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज से होता है कि आप इमेजिन करो जो क्वेश्चंस आप गलत करते हो वो आपको ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो मेक श्योर आप जो भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम करो आप बैकवर्ड तरीके से पढ़ो। एक बार आपने हिस्ट्री का एक बुक पढ़ लिया, देन उसके बाद आप 4 पेपर हिस्ट्री के सॉल्व कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपने पढ़ने में क्या गलती की, कहां कॉन्सेप्ट गलत हुआ और उतनी चीजें ज्यादा याद रहेगी। अगर मैं मुझे ऑप्शन दिया जाए कि हिस्ट्री का बुक पढ़ना है या हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, तो आई वुड सजेस्ट हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, जिससे क्या है कि आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। तो जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट के साथ आपको उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां गलती हुई, सिली मिस्टेक है या फिर आपको आपने जो बेसिक बुक पढ़ा था वो इनसफिशिएंट है, इन चीजों पर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो सोल्यूशन दिया होता है उसका आपको नोट डाउन करना है, सोल्यूशन को नोट डाउन करना है। हाँ, ये आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से 5 पेजेस के मेरे नोट्स बन गए,
तो अगर ये अगर आप प्रोसेस करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। प्रॉब्लम यहाँ है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर टेस्ट देता हूँ, एंड फिर वो कॉन्फिडेंस लूज आउट करते हैं एंड पढ़ना कभी पूरा होगा ही नहीं प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए। ऐसा कोई डे नहीं है कि मेरे सिक्स अटेम्प्ट में, सिक्स अटेम्प्ट में भी मुझे उतना ही डर लगता था एग्जाम का प्रीलिम्स का, बिकॉज एग्जाम ही ऐसा है। तो डर लगना, अंडर कॉन्फिडेंट फील होना, ये बहुत नॉर्मल है। तो मेक श्योर आप अंडर कॉन्फिडेंट ना रहे एंड थिंक कि अगर जो भी सिलेक्टेड बंदा है उसको भी यही फीलिंग है तो आपकी फीलिंग नॉर्मल है। सिर्फ आपको मेक श्योर करना है कि आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी दिखानी है आपके प्रिपरेशन। तो मेक श्योर आप जितने ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। टेस्ट पेपर सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, उसका एनालिसिस करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कोई नहीं करता, सबको पता है लेकिन कोई नहीं करना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है आपके डेली शेड्यूल में इनग्रेन करना। तो मेक श्योर आप पढ़िए भी, आपका 50% टाइम पढ़ने पर जाए और 50% टाइम आप आंसर क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए फोकस करें। तो होपफुली मैं ये फोकस करना चाहता हूँ कि टेस्ट सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चन एनालाइज करना बहुत नेसेसरी। उससे क्या होता है कि यू गेट टू नो कि क्या ट्रेंड है। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर्स पढ़ते समय एक चीज याद रखिए कि जो जैसे मैगजीन्स में आ रहा है उधर तक आप लिमिट मत रखिए आपके नॉलेज को। जैसे फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, कल के न्यूज़पेपर में आया था आरबीआई रिलीज रिपोर्ट, लेकिन इस ये रिपोर्ट रिलीज करने के पीछे कौन सी कमेटी मतलब कौन सी कमेटी के डिस्कशंस इंपॉर्टेंट है, फिस्कल काउंसिल, फिस्कल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, तो एफएसडीसी के बारे में आपको पता चाहिए, फिस्कल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में आपको पता चाहिए। तो ये सारी चीजों के बारे में आपको जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको एक स्टेप आगे जाना है आपके करंट अफेयर्स से। आपको सिर्फ फिस्कल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पर नहीं जाना है, आपको आरबीआई के अदर रिपोर्ट्स भी पता चाहिए, जैसे हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन रिपोर्ट है, एनुअल सॉरी तो ये सारे जो पॉलिसी रिपोर्ट्स है, ये तो सारे चीजों आपको पता चाहिए, सारी चीजें आपको पता चाहिए। साइड बाय साइड आपको पता चाहिए कि आपको आरबीआई के बारे में आपको पता चाहिए कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको एक स्टेप आगे जाना है। और जब भी आप प्रीलिम्स की बात करो आपको प्रीलिम्स को मेंस के साथ इंटीग्रेट करना है। जैसे अगर कल की बात करूँ तो कल न्यूज आया था कि 24% ऑफ राज्यसभा एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस, तो इसको मेंस में आप लिख सकते हो कि इट इज लीडिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड दस लीडिंग टू पुअर लॉ मेकिंग। डिसरप्शन का कारण क्यों है, क्योंकि क्रिमिनल्स एंटर कर रहे हैं पार्लियामेंट में। एंड अगर ये ट्रेंड देखा जाए तो लोकसभा में ये 43% तक पहुंच गया, पिछले साल 30% था, इस साल 43% पहुंच गया। ये रिपोर्ट्स किसने दिए, एडीआर ने दिए। तो आपको ये सारे रिपोर्ट्स मेंस में लिखने हैं, दो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हो लेकिन मेंस में लिखना है। वन ऑफ द रीजंस फॉर पुअर पार्लियामेंट्री फंक्शन और डिसरप्शन ऑफ पार्लियामेंट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर आप इंटरलिंक कर पाओ प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन को तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो मेक श्योर, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आपका इंटरेक्शन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन उस तरीके से हो। सेकेंडली, मेंस पढ़ते वक्त आपको बहुत क्रिस्प रहना है, आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। मेंस इज नॉट अबाउट ओनली गैदरिंग नॉलेज बट आल्सो रिप्रेजेंटिंग इट। प्रीलिम्स इज गैदरिंग नॉलेज एंड मेंस इज रिप्रेजेंटिंग दैट नॉलेज, फोकस इज ऑन रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर राइटिंग पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग में फोकस करते समय आपको पता चाहिए कि आंसर राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर जानना बहुत नेसेसरी है। हर एक जो टॉपिक दिया है मेंस पे उसके ऊपर आपके पास क्रिस्प नोट्स चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास एक एक बुक है एक एक टॉपिक पर, आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हर एक टॉपिक पर। और हर एक क्वेश्चन आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है उस टॉपिक पर, आपको पहले खुद से सोचना है कि अगर क्वेश्चन आया तो मैं क्या क्या लिखूंगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो मैं हर बार यही बोलता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग पर फोकस कीजिए रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन आंसर राइटिंग। आपके ब्रेन को वो आदत लगानी है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। तो जब तक आप ब्रेन को ट्रेन नहीं करोगे, सोचने के लिए मजबूर नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ के काम नहीं होता, क्योंकि आपको 7 मिनट में आंसर लिखना है, उस 7 में से 2 मिनट में आपको सोचना है, 1 मिनट में सोचना है, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन मेक श्योर आपका 2 से 3 लाइन का ही हो। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी, बॉडी को भी आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मेजरली क्या होता है कि कॉजेस पूछे जाते हैं, इम्पैक्ट पूछा जाता है और सोल्यूशन पूछा जाता है। इट कुड वेरी लेकिन इसी लाइन में होता है। तो इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन, फिर बॉडी, उसमें क्या होता है कि रीजंस पूछे जाते हैं, तो रीजंस को आपको बॉक्स में डालना है, उसके पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद इम्पैक्ट पूछा जाता है, उसको भी आपको बॉक्स में लिख के पॉइंट्स में लिखना है, और लास्ट में सोल्यूशंस लिखना है। तो होपफुली इस फॉर्मेट में आपको मेंस का प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू की बात की जाए तो इट्स मेजरली आपका पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप कहाँ से आए हो वो मैटर नहीं करता, आपका ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता, आपका पर्सनैलिटी मैटर करता है, आप क्या सोचते हो देश के लिए, क्या सोचते हो आपकी क्या करने की इच्छा है देश के लिए, एंड आप कितना एंथुजियास्टिक हो और आप इनोवेटिवली थिंक कर पा रहे हो या नहीं, आप पॉजिटिव हो या नहीं, ये
सारी चीजें देखी जाती है, ये देखा नहीं जाता कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप कितने पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। होपफुली मैं थ्रू दिस सेशन ये बताना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए चैट बॉक्स में या फिर पीयूष जी ये करेंगे, एंड मैं उस हिसाब से आपको आंसर देना चाहता हूँ। मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है यही कहना चाहता हूँ, मैंने क्वालिफाई किया, मेरे भाई ने क्वालिफाई किया है, मेरे सारे ऑलमोस्ट 100 दोस्तों ने क्वालिफाई किया, दे आर ऑल एवरेज। मुझे दसवीं में 85% है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 95-98% नहीं है, मेरे भाई को 70% है, तो सारे एवरेज बैकग्राउंड से आए, लेकिन एक चीज कॉमन है कि हमें राइट टाइम पर राइट गाइडेंस मिला तो ये चीजें पॉसिबल हुई, क्रैक करना पॉसिबल हुई। एंड सेकेंडली आपको ये चीज पता चाहिए कि इस एग्जाम के लिए दो चीजें, हार्डवर्क और पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा लक फैक्टर है लेकिन पेशेंस रखोगे, अगर हार्डवर्क करोगे तो सिलेक्शन होना ही है। मैं बॉन्ड पेपर पर लिख के देता हूँ कि सिलेक्शन होना ही है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्टडी इन राइट वे एंड विद राइट हार्डवर्क। इसके लिए तरीके के एग्जाम है और आपकी लाइफ इस पर स्टेक्ड है, तो नर्वसनेस नॉर्मल है, आप उसको सोचिए मत, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और एक बात इंश्योर कीजिए कि सबको ये सब हर एक बंदा इस टॉपर्स इस फेस से जाता है, इवन रैंक वन भी इस फेस से जा रहा है, तो अगर आप इधर ही हार मान लोगे तो आप बाकी लोग आगे चले जाते हैं। मैं यही बोलता हूँ कि ये मेंटल ये एग्जाम ये मेंटल स्ट्रेंथ की एग्जाम है रादर देन किसी और की है, जितना आप मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपको मेंटली उतना कि इनिशियली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको 2-3 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो भी आपको पेशेंस रखना पड़ता है एंड आपको ध्यान रख के आपको पढ़ाई करना पड़ता है, पेपर देने पड़ते हैं। मेंस में भी आपको 7-8 पेपर देने हैं कंटिन्यूसली, तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड सजेस्ट नर्वसनेस कॉमन है, ऐसे ही समझ के लीजिए कि हर एक बंदा नर्वसनेस से जा रहा है, लेकिन हमें खुद को समझाना है। एंड पेपर सबके लिए नया है, सबके लिए डिफिकल्ट है, ऐसे नहीं कि किसी की पढ़ाई ज्यादा है कम है, उस टाइम जो मेंटली स्टेबल रहता है वही क्लियर कर पाता है। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जैसा कि मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूं, तो मैंने जो सब्जेक्ट ली है ज्योग्राफी ली, इकोनॉमिक्स ली और सोशियोलॉजी ली, तो ये मेंटेन करेगा सर कि मैंने इंग्लिश नहीं ली है बीए फर्स्ट ईयर में? तो इंग्लिश आप अपने हिंदी या लोकल लैंग्वेज में भी सारे पेपर दे सकते हैं, आपको इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। इंग्लिश के साथ देने से फायदा ये है कि आपको कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है मार्केट में, बाकी इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, लेकिन अगर आप आपके पास अवेलेबिलिटी है कंटेंट की तो आप कर सकते हो। जैसे मैं अभी हिंदी में प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो हिंदी में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो या फिर आज उसके रिगार्ड सर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई चीज कंप्लीट नहीं है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी एक मैगजीन पढ़ी है लेकिन उसको सिंस पेपर पढ़ रहा है तो सिंस से उसी चीज को फॉलो कीजिए, ऐसे नहीं कि आप पहले एक दिन न्यूज़पेपर, दूसरे दिन नोट्स, तीसरे दिन तीसरे क्लास की, कोई भी एक चीज पढ़िए लेकिन आपको एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, आपको सिर्फ उस नोट्स तक आपको सीमित नहीं रहना पड़ता। अगर इमेजिन की क्वेश्चन आपको कल क्वेश्चन क्या है, इथिक्स के बारे में क्वेश्चन है, इथिक्स में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इथिक्स इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, इथिक्स का पेपर लास्ट पेपर होता है, तब तक आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, तो इथिक्स में आपके 70-80 पेज के नोट्स बनना बहुत जरूरी है, हर एक टॉपिक पर आपके पास डायग्राम, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पर एक डायग्राम रेडी, एग्जाम्पल्स रेडी है, आपको डेफिनेशंस पूरे याद है, तो ये एकदम बेसिक कोर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ही मोल्ड कैसे करना है, क्वेश्चन के हिसाब से मोल्ड करना है। केस स्टडी आपको 50 केस स्टडी करना नेसेसरी है, तो कि आप जिससे आप मेंटली आप रेडी हो केस स्टडी के लिए किसी भी टाइम पर। इथिक्स में इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझना और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेसिंग द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मेंस में सबसे बड़ा डिफिकल्टी इज एड्रेसिंग द क्वेश्चन, इट्स नॉट नॉलेज बट एड्रेसिंग द क्वेश्चन। इथिक्स में भी यही है, जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज है उसको आप कैसे लिंक करते हो क्वेश्चन के साथ, इस पर ज्यादा फोकस दीजिए और 80 पेज के आपके नोट्स बनाइए इथिक्स के लिए। सर प्रिपरेशन कहां से करें सर एथिक्स के लिए, सोर्सेज क्या है सर? एथिक्स के लिए सोर्सेज अब लेक्सिक बुक है, हमारा भी एक कोर्स आता है एथिक्स के लिए जिसमें हमने पूरा कोर्स
60 to 70 PDFs में कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हो. लेक्सिकॉन एक बुक है, लेकिन कोई सोच नहीं है. आप सब मॉडल आंसर्स पढ़िए बहुत सारे टॉपर्स के, और आपके जो भी टेस्ट सीरीज है उसके मॉडल आंसर्स पढ़िए, उससे ही प्रिपरेशन हो जाएगा. ओके सर. हेलो सर, गुड इवनिंग. बोलिए. बोलिए सर, स्टार्टिंग कहाँ से करें, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट एनसीईआरटी से करिए. एनसीईआरटी 6 टू 12 पॉलिटी ज्योग्राफी इन दोनों से कीजिए, और YouTube पर वीडियोस देखिए इकोनॉमी के, मृणाल के, मृणाल सर के. कौन सा सर? मृणाल, mrunal.org. देखिए सर, मेंस की तैयारी कैसे करें? हेलो, आवाज आ रही है जी? जो भी जॉब करते हैं, करते पढ़ रहे हैं, वो मेक श्योर आप जितने भी वीडियोस देख के पढ़ सकते हो, वीडियो कोर्सेज से पढ़ सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि वो फिल्टर्ड कंटेंट आपको मिलता है. और एक ही सोर्स पर फोकस कीजिए जो भी जॉब कर रहे हैं, तो आप एक ही टीचर पर भरोसा रख के उसको ही फॉलो कीजिए. प्रॉब्लम ये आती है कि सर, करेंट अफेयर्स की तो वीडियो अच्छे से मिल जाती है, लेकिन जो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब की जो वीडियो रहती है वो सर सहजता से मिल नहीं पाती. सर इसके बारे में थोड़ा सा. YouTube पर सारी चीजें अब अच्छे से सर्च करोगे तो सारी चीजें हैं. जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो म्यूट करें और क्वेश्चन पूछे. आप सेशन बाइंड अप कर रहे हैं क्योंकि सर से मैंने 40